हेलो एवरीवन, तो हम कर रहे हैं अपना टॉपिक प्रोग्रामिंग विद VBA। ये हमारी क्लास नंबर 16 और इसमें लगभग 10 से 11 क्वेश्चन होंगे। ज़्यादा ये टॉपिक बड़ा नहीं होगा क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। 10-11 क्वेश्चन ही हैं इसमें, और इसके साथ ही हमारा जो टॉपिक है प्रोग्रामिंग विद VBA वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस क्लास में 10-11 क्वेश्चन ही नहीं करेंगे, और हम अपनी अगले टॉपिक को भी लेंगे, उसके भी कुछ 10 से 11 क्वेश्चन करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। 56 नंबर क्वेश्चन है, विच फंक्शन रिटर्न स्पेसिफाइड पार्ट ऑफ अ गिवन डेट इन VBA। VBA में दिए गए दिनांक का कौन सा फंक्शन निर्दिष्ट भाग देता है? VBA में दिए गए दिनांक का कौन सा फंक्शन निर्दिष्ट भाग देता है? तो वो फंक्शन है डेट पार्ट, ऑप्शन डी, डेट पार्ट। मैं चाहती तो ये क्वेश्चन आपको पिछली क्लास में करवा देती, बट मैंने रियलाइज़ किया जब क्लासेस मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी, क्लास ले रही थी, तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो आवाज़ है वो मेरी साफ़ नहीं आ रही है। वो आपने देखी होगी, पढ़ी होगी, आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करने को मिली होगी, क्योंकि मैंने कूलर जो है ना इतनी पास लगा के रखा था, बहुत पास, तो मेरी ही आवाज़ अब तक नहीं पहुँच पा रही थी। तो इस वजह से मैंने सारे क्वेश्चन कवर नहीं किए, 10-11 क्वेश्चन बच गए थे, इसलिए आपके इस क्लास में ये क्वेश्चन सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे VBA के। उसके बाद हम अपना अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो टॉपिक हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन रिटर्न्स द डिफरेंस बिटवीन टू डेट वैल्यूज बेस्ड ऑन द इंटरवल स्पेसिफाइड इन VBA। कौन सा फंक्शन VBA में निर्दिष्ट अंतराल के आधार पर दो तिथि मानों के बीच अंतर देता है? VBA में निर्दिष्ट अंतराल के आधार पर दो तिथि मानों के बीच अंतर देता है, तो वो कौन सा फंक्शन है? वो है डेट इफ, डेटेड इफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रिटर्न टाइप ऑफ CSNG फंक्शन इन VBA? VBA में CSNG फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है? ये जो फंक्शन है इसका रिटर्न टाइप क्या है? तो इसका रिटर्न टाइप होगा सिंगल। कैसा होगा? सिंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच VBA कोड इज़ यूज टू लोड यूज़र फॉर्म इनटू मेमोरी बट डू नॉट डिस्प्ले? क्या पूछ रहा है? यूज़र फॉर्म को मेमोरी में लोड करने के लिए किस VBA कोड का उपयोग किया जाता है लेकिन प्रदर्शित नहीं होता है? क्या है? यूज़र फॉर्म को मेमोरी में लोड करने के लिए किस VBA कोड का उपयोग किया जाता है, मेमोरी में लोड करने के लिए लेकिन प्रदर्शित नहीं होता है? तो वो है लोड यूज़र फॉर्म फर्स्ट, ऑप्शन बी होगा, लोड करने के लिए। यहाँ पर ध्यान रखिए, लोड करने के लिए क्या होगा? लोड यूज़र फॉर्म फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच VBA कोड इज़ यूज्ड टू रिमूव द यूज़र फॉर्म फ्रॉम मेमोरी? यूज़र फॉर्म को मेमोरी से हटाने के लिए कौन सा VBA कोड का प्रयोग किया जाता है? पिछले में क्या था? पिछले में क्या पूछ रहा था? लोड करने के लिए। अब इसको क्या है? हटाने के लिए, मेमोरी को हटाने के लिए कौन से VBA कोड का उपयोग किया जाता है? तो हटाने के लिए होगा अनलोड यूज़र फॉर्म फर्स्ट, ऑप्शन सी, अनलोड यूज़र फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच विंडो डिस्प्ले द वॉच एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग द वन जस्ट एडिट? किस विंडो में वॉच एक्सप्रेशन को प्रदर्शित किया जाता है जिससे अभी जोड़ा गया है, जिसमें अभी जोड़ा गया है? क्या, किस विंडो में वॉच एक्सप्रेशन को प्रदर्शित किया जाता है? तो वो विंडो है वॉच विंडो, ऑप्शन सी, वॉच एक्सप्रेशन को प्रदर्शित किया जा रहा है, तो वो विंडो कौन सी होगी? वॉच विंडो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन इज इंडिकेटेड बाई अ रेड डॉट विद अ लाइन ऑफ कोड हाईलाइटेड इन रेड इन VBA? VBA में लाल रंग में हाईलाइट किए गए कोड की एक पंक्ति के साथ लाल बिंदु द्वारा किसको इंगित किया जाता है? लाल रंग में हाईलाइट किए गए कोड की एक पंक्ति के साथ लाल बिंदु द्वारा किसको इंगित किया जाता है? तो उसको किया जाता है ब्रेक पॉइंट। किसको इंगित किया जाता है? ब्रेक पॉइंट को इंगित किया जाता है लाल रंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन रिटर्न द इंटीजर पोर्शन ऑफ अ नंबर इन VBA? कौन सा फंक्शन VBA में किसी संख्या का पूर्णांक भाग लौटाता है? कौन सा फंक्शन VBA में किसी संख्या का पूर्णांक भाग लौटाता है? तो वो है फंक्शन कौन, ऑप्शन ए। कौन सा है? ऑप्शन ए फंक्शन है जो VBA में किसी संख्या का पूर्णांक भाग लौटाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फंक्शन रिटर्न्स द हाइपरबोलिक कोसाइन ऑफ द स्पेसिफाइड एंगल इन VBA? कौन सा फंक्शन VBA में निर्दिष्ट कोण के हाइपरबोलिक कोसाइन को वापस करता है? कौन सा
कौन सा फंक्शन जो है वो जो बीबीए में निर्दिष्ट कोड के निर्दिष्ट कोण के हाइपरबोलिक ओरिजिन को वापस करता है, तो वो है कॉस, ऑप्शन सी कॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच टाइप ऑफ वर्ड्स कैन नॉट यूज फॉर एनी अदर पर्पज इन बीबीए, बीबीए में किसी अन्य उद्देश्य के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर VVA में किसी अन्य उद्देश्य के लिए किस प्रकार के शब्दों का उपयोग नहीं किया जा सकता, तो वो शब्द है कीवर्ड्स। कीवर्ड्स का यूज नहीं किया जा सकता, किसी अन्य उद्देश्य के लिए कीवर्ड का यूज नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक का, क्लास का नहीं टॉपिक का है, आगे हम एक और टॉपिक करेंगे उसके भी कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन है विच बॉक्स हैज थ्री स्टेट्स इन बीबीए, बीबीए में किस बॉक्स की तीन स्थितियां हैं, किस बॉक्स में तीन स्थितियां होती हैं, तो वो बॉक्स है चेक बॉक्स, ऑप्शन सी चेक बॉक्स। तो अब अगला हमारा टॉपिक है यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसके भी कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमारा प्रोग्रामिंग विद बीबीए जो टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया। आप कुछ लोगों का सवाल है कि ये टॉपिक नहीं है, हटा दिया गया है, ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं आप लोगों के, बट एक जो कॉमन हम लोग अभी तक पढ़ते आए हैं आपके एग्ज़ाम में जो पूछे गए थे अभी तक, एक तो देखो आपकी भरत स्किल के हिसाब से मैं पढ़ा रही हूँ, मैं ये कोई क्वेश्चन आपके नहीं बना रही हूँ, ठीक है, एक आपको मैं क्लियर कर दूँ, मैं आपके कोई क्वेश्चन नहीं बनाती हूँ। मैं क्या करती हूँ आपकी सुविधा के लिए, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा आपकी सुविधा के लिए, यहाँ पर मैं आपको ट्रांसलेट करती हूँ, ठीक है, और आप मेरे जो एक्सपीरियंस है अभी तक मैंने जो भी पढ़ाई की है वो शेयर करती हूँ, एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ, बाकी मैं वो क्वेश्चन पढ़ा रही हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, ठीक है, अभी तक पूछे जा रहे हैं और आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। टॉपिक है या नहीं है वो देखो आपके कॉलेज आपको बेहतर तरीके से बता सकता है, और आप कॉलेज में हो जाते हो तो बेहतर ढंग से पढ़ाई भी करते होगे, तो वो मैटर नहीं करता आपके, अगर टॉपिक में नहीं है तो आप मत पढ़िए, लेकिन भारत स्किल वेबसाइट के हिसाब से यही टॉपिक है आपके और वही टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, तो इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि क्या टॉपिक है क्या नहीं है, पाइथन आ गया है, ये आ गया है, मतलब और भी टॉपिक है, आप लोग कमेंट करते हो, मैं पढ़ती हूँ, देखो ऐसा नहीं पढ़ती नहीं हूँ आप लोगों के कमेंट, बट मैंने जैसा कि बोला है कि आपके भारत स्किल के हिसाब से आपके क्वेश्चन मैं पढ़ा रही हूँ, पीडीएफ से आप नहीं पढ़ पाओगे, थोड़ा मैं टाइम ले रही हूँ, स्किप कर लेना बाद में अगर आपको इम्पोर्टेंट ना लग रहा हो, बट जो भी मैं आपको बताती हूँ वो सब आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान से समझने की ज़रूरत है। हाँ तो मैं क्या कह रही थी कि ये जो भारत स्किल वेबसाइट के हिसाब से मैं आपको पढ़ा रही हूँ, पीडीएफ से आप नहीं पढ़ पाओगे, पीडीएफ से क्यों नहीं पढ़ पाओगे, आप डाउनलोड करके देख लीजिए, वो आपकी पीडीएफ कब खुलेगी, आपके एग्ज़ाम के 5 दिन पहले, अभी आप डाउनलोड करके रख लोगे और फिर उसको टालते रहोगे, आज नहीं, और वही टॉपिक पढ़ोगे आप जो आपको थोड़ा समझ में आएगा, सरल लगेगा, वही टॉपिक पढ़ोगे, कठिन नहीं पढ़ोगे। और क्लास में क्या होता है, क्लास में आपको टीचर की गाइड मिलती है, गाइडेंस मिलती है ना, उस हिसाब से आप पढ़ते हो, उस हिसाब से आप चीज़ों को सीखते हो, क्वेश्चंस को पढ़ते हो, हर एक क्वेश्चन आप टीचर आपको सुनाता भी है, ठीक है, आपको देखने को भी मिलते हैं ये क्वेश्चन, और आपको सुनने को भी मिलते हैं, और आपको साथ साथ पढ़ने को भी मिलते हैं, तीन तीन चीज़ें एक साथ हो रही हैं। पीडीएफ में क्या है, आपका मन हुआ तो पढ़ा, नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा, ये होता है, क्वेश्चन भी छूटेंगे आपके, टॉपिक भी छूटेंगे, तो उस हिसाब से, बाकी मैं भारत स्किल वेबसाइट के हिसाब से वहाँ पर जो जितने भी टॉपिक हैं वो सारे के सारे मैं करा रही हूँ, एक भी टॉपिक एक भी क्वेश्चन आप लोगों का छूटेगा नहीं, और ऐसे क्वेश्चन छूट जाएंगे जो मुझे मेरी नज़रों के हिसाब से वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो ही क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं, कुछ 2-4 क्वेश्चन ही छूटे होंगे, बाकी नहीं छूटे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन कवर किए गए हैं, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के भी क्वेश्चन हम आपके करवाएंगे इन क्लासेस के बाद, आप मई में शुरू करेंगे, 3rd week of May में, मई के 3rd सप्ताह में स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी रिविज़न स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए बातें बहुत होगी, बढ़ते हैं अपने टॉपिक पर, टॉपिक हमारा यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, निमी बेस्ड क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इस वजह से ये मैं एक भी टॉपिक नहीं छोड़ रही हूँ, ऐसा नहीं कि बीबीए आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं नहीं पढ़ाऊँगी, मैं सारे के सारे टॉपिक पढ़ा रही हूँ, कोई टॉपिक है या नहीं है वो मैं पढ़ा रही हूँ भारत स्किल वेबसाइट के हिसाब से, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, वो क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज टैली, टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, टैली समझते हो,
हमारे अगर किसी का बिजनेस होगा, कोई बड़ा बिजनेस होगा आप लोगों में से किसी का, तो उनको पता होगा टैली क्या है। टैली जिसमें हम अपना लेखा जोखा करते हैं, पूरा हिसाब रहता है किसको क्या दिया, किसको किससे क्या लिया, सारी चीज़ें लेखा जोखा होता है, उसको कहते हैं टैली। तो टैली किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, लेखांकन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फीचर इन टैली? टैली में वित्तीय प्रबंधन सुविधा का उद्देश्य क्या है? टैली में वित्तीय प्रबंधन सुविधा का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य होता है टू गेट डेली बैलेंस एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू, दैनिक शेष राशि और लेन देन मूल्य प्राप्त करने के लिए। टैली में किसका वित्तीय प्रबंधन सुविधा का उद्देश्य क्या है? टू गेट डेली बैलेंसेज एंड ट्रांजैक्शन वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एरिया इन टैली स्क्रीन प्रोवाइड्स क्विक एक्सेस टू डिफरेंट ऑप्शंस? टैली स्क्रीन में कौन सा क्षेत्र विभिन्न विकल्पों के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करता है? टैली में स्क्रीन का स्क्रीन में टैली स्क्रीन में कौन सा क्षेत्र विभिन्न विकल्पों के लिए त्वरित पहुंच प्रदान करता है? तो वो है बटन बार, ऑप्शन ए बटन बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ प्रिपेयर्ड टू एक्सरटेन एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस द बिजनेस, लॉस ऑफ द बिजनेस, जो व्यवसाय के वास्तविक लाभ या हानि का पता लगाने के लिए तैयार है। इनमें से कौन वास्तविक लाभ या हानि का पता लगाने के लिए तैयार है? ये जो ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, इनमें से कौन वास्तविक लाभ या हानि का पता लगाने के लिए तैयार है? तो वो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, लाभ और हानि खाता। ये क्वेश्चन देखो, अभी आपके ये जो दो टॉपिक है, एक आपका जावा स्क्रिप्ट हो गया, एक आपका हो गया प्रोग्रामिंग विद वीबीए, ये आपको थोड़े टफ लगेंगे, इनको आपको देखने की ज़रूरत है। क्वेश्चन समझ में भले ही ना आए तो इनको आपको एक दो बार देखने की ज़रूरत है। पहली बार देखिए, आराम से पढ़िए, दूसरी बार आप स्पीड भी बढ़ा के देख सकते हो, चाहे अगर आप सारी की सारी क्लासेस दोबारा देख रहे हो तो आप स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, है ना, स्पीड बढ़ा लिया करो। और ये जो क्वेश्चन है ना, ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को, और भी जो हमारे टॉपिक है, अभी ई कॉमर्स आएगा, साइबर सिक्योरिटी आएगी, तो इसमें ना आप क्वेश्चन पढ़ोगे एक बार नहीं दो बार पढ़ोगे और फिर ऑप्शन देखोगे, आप अपने आप आंसर बता दोगे। इसमें इतना ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आपका जो जावा स्क्रिप्ट था और वीवीए था, इसमें थोड़ा ये टफ हो गया। तो इसमें देखो, क्वेश्चन में ही था कि इनमें से कौन वास्तविक लाभ या हानि का पता लगाने के लिए तैयार है। इनमें से कौन जो लाभ और हानि का पता लगाता है, तो वो कौन सा अकाउंट होगा? तो भाई लाभ और हानि का तो ऑप्शन पढ़ोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यही तो बोल रहा है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का पता लगाता है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ऑप्शन भी आप लोगों को पढ़ने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय करेंट डेट इन टैली? टैली में वर्तमान तिथि से क्या अभिप्राय है? टैली में वर्तमान तिथि से क्या अभिप्राय है? तो इसका अभिप्राय होता है अंतिम तिथि काम की, यानी कि लास्ट वर्क डेट, ऑप्शन सी लास्ट वर्क डेट। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विच आर द थिंग एंड प्रॉपर्टीज फॉर रीसेल दैट कन्वर्ट्स इंटू कैश? पुनः विक्रय के लिए कौन सी चीज़ें और गुण है जो नगदी में परिवर्तित होते हैं? पुनः विक्रय के लिए कौन सी चीज़ें और गुण हैं जो नगदी में परिवर्तित होते हैं? तो वो हैं करंट एसेट, वर्तमान संपत्ति। नेक्स्ट है, हु रिसीव्ड बेनिफिट्स विदाउट गिविंग मनी इमीडिएटली बट लियेबल टू पे इन फ्यूचर? ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, मुझे याद आ गया, इसमें मैं इतना घूम गई थी और ये मैंने गलत ही किया था। मतलब कुछ क्वेश्चन अभी आपको देखने को मिलेंगे, उसमें मैं इतना कंफ्यूज हो गई थी, उस टाइम मैंने इतना क्वेश्चन ये पढ़े नहीं थे, मुझे विश्वास नहीं था। मेरे सामने एक ये पीडीएफ आई थी, जब मेरे सामने जब मैंने ढूंढी ये पीडीएफ, देखी क्वेश्चंस को और भी क्वेश्चंस पढ़े, मैंने अपने बुक रिव्यू में बताया था कि किस तरीके से मैंने पढ़ाई करी, लेकिन जब मेरे को जब ये पीडीएफ देखी गई ना, तो मेरे को बताया गया कि इससे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, इससे क्वेश्चन थोड़े बहुत आते हैं। ऐसा अचानक से विश्वास नहीं हुआ एक बार में, ऐसे किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। मुझे तो अपनी बुक पे विश्वास था कि जो कॉलेज से दी गई हैं, मुझे तो बुक पे विश्वास था जो कॉलेज से दी गई हैं, है ना। तो मैंने इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, बट इनको मैंने पढ़ लिया था, एक बार देख लिया था, तो उस हिसाब से फिर जब ये एग्ज़ाम में बैठी ना मैं, तब मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो वही क्वेश्चन है, पढ़ लेती तो थोड़ा और अच्छा रहता। बट जैसा कि मैंने बोला कि मेरा जो बेस था, मैंने कंप्यूटर की मुझे नॉलेज थी, तो उस वजह से मेरे जो एग्ज़ाम में बढ़िया मैंने परफॉर्म किया, अच्छे नंबर आए, लेकिन
ये जो क्वेश्चन थे बड़े ऐसा डाउट डाउट था इनमें। आगे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इसी तरीके के, तो उस पर आपको ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है और आंसर इसका क्या है, और ये चीज़ें आपको समझनी है। तो क्या है, भविष्य में भुगतान करने के लिए तुरंत पैसा दिए बिना कौन लाभ पहुंचाता है? भविष्य में भुगतान करने के लिए, मतलब भविष्य में भुगतान करेगा और मतलब तुरंत पैसे नहीं देगा, भविष्य में भुगतान करेगा ना, तो तुरंत पैसे दिए बिना कौन लाभ पहुंचाता है? तो वो है डेप्टर, ऋणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंक्शन की इज यूज्ड टू रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर बिटवीन कैश एंड बैंक अकाउंट? किस फंक्शन कुंजी का उपयोग नकद और बैंक खाते के बीच रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर किया जाता है? किस फंक्शन कुंजी का उपयोग नकद और बैंक खाते के बीच रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर किया जाता है? तो वो फंक्शन कुंजी है जिससे क्या किया जाता है, F4 से क्या किया जाता है, नकद और बैंक खाते के बीच रिकॉर्ड फंड ट्रांसफर किया जाता है, तो वो फंक्शन कुंजी है F4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डॉक्यूमेंट इश्यूड बाय द रिसीवर ऑफ कैश टू द एक्नोलॉजिंग द केस रिसीव्ड वाउचर? नकद प्राप्त करने वालों को वाउचर प्रदान करने वाले को नकद के रिसीवर द्वारा कौन से दस्तावेज जारी किए जाते हैं? मैंने क्या कहा था, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आगे बहुत ही कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन देखने को आप लोगों को मिलेंगे। तो क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, नकद प्राप्त करने वालों को वाउचर प्रदान करने वालों को नकद के रिसीवर द्वारा कौन से दस्तावेज जारी किए जाते हैं? तो वो दस्तावेज कौन से हैं, रिसीप्ट, रसीद एक तरीके से बोल सकते हैं, रसीद हम अपनी जनरल भाषा में बोलते हैं रसीद, लेकिन इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिसीप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द समराइज रिकॉर्ड ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन टू एवरी पर्सन एवरी प्रॉपर्टी एंड एवरी टाइप ऑफ सर्विस? एवरी पर्सन एवरी प्रॉपर्टी एंड एवरी टाइप ऑफ सर्विस, प्रत्येक व्यक्ति को हर संपत्ति और हर प्रकार की सेवा के लिए सभी लेन देन का सारांश रिकॉर्ड क्या है? मतलब इसमें पूछ रहा है कि हर संपत्ति का और हर प्रकार की सेवा और लेन देन का जो पूरा रिकॉर्ड है वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अकाउंट। चलिए मिलते हैं तो आपको अपनी अगली क्लास में, क्लास नंबर 18 होगी और टॉपिक हमारा वही होने वाला है, यूजिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। नेमी बेस्ड क्वेश्चन है, भरत स्किल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको भरत स्किल वेबसाइट पर भी मिल जाएंगे। और इससे पहले कि अगर आपने क्लासेस नहीं देखी हैं तो वो आपको प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी प्लेलिस्ट, और अगर नहीं मिल रही है तो देखो शो तो हो रही होगी, उस पर क्लिक करना है आपको, प्लेलिस्ट पर आप आ जाएंगे और सारी की सारी क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी। तो सारी की सारी क्लासेस आप लोगों की देखनी है, एक भी क्लास छोड़नी नहीं है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप रिवीजन पे आप पढ़ लोगे कि रिवीजन आप करवाओगी तब हम रिवीजन की जो क्लास है दो चार क्लास आप रिवीजन करवाओगी उसी को हम देख लेंगे, ऐसा नहीं करना है। रिवीजन में आपको अपना टेस्ट देखना है कि आप कितने क्वेश्चन कर सकते हो, वहां पर आपको कमेंट भी करना है, मैं लाइव भी ले सकती हूँ आपका रिवीजन, मैं लाइव कर सकती हूँ रिवीजन, ठीक है? तो आपके कमेंट भी आपके आंसर भी मैं देखूंगी। तो रिवीजन पढ़ने के लिए नहीं है, रिवीजन आपको अपने अपना टेस्ट देखने के लिए कि मैंने कितनी तैयारी की है। तो मिलते हैं आपको अपनी क्लास में।